महिलाएं घर अपने घर को कैसे मैनेज करें, अपने घर को कम खर्च में कैसे चलाएं, इस पे बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं और आप लोगों ने उस वीडियो को सराहा भी है। लेकिन आज दोस्तों हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी जानकारी हर वर्किंग प्रोफेशनल और हर होम मेकर को होनी ही चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम ये बचत करते हैं या फिर ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप होम मेकर हो, घर को चलाना आपकी जिम्मेदारी होती है और औरतें बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाती भी हैं। तो यहाँ पे कहना ये है कि इसके साथ जिम्मेदारी निभाते निभाते पैसों की बचत करते करते आपको 5 बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ये वीडियो मेरी सारी बहनों को डेडिकेटेड है जो अपने घर को बहुत अच्छे ढंग से चला रही है। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं हर परिवार के उन पुरुषों से ये मतलब रिक्वेस्ट ही है मेरी कि आप घर का मैनेजमेंट अपनी वाइफ को जरूर दें। देखिए इसमें दो तरह के फायदे होंगे। फायदा ये होगा कि देखिए घर को तो मैनेज महिला ही करती हैं, आप चाहे उसको पैसा दे या ना करें, मैनेजमेंट हर घर का औरत ही करती है। और अगर आप उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं उस घर को चलाने के लिए तो ये यहाँ पे सोने पे सुहागा का काम करता है। वो कैसे, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए अगर आपने पैसे दिए तो सबसे जरूरी चीज तो ये होगी कि महिला के अंदर एक जिम्मेदारी की भावना जागेगी। जो महिला जो है किसी भी चीज को खर्च करने में सोचती नहीं थी या सोचती थी कि चलो हस्बैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी कि उन्हें पूरा मंथ या फिर उन्हें 15 डेज इसी रुपए में चलाना है। तो वो खुद कट करने लगेंगी कि कहाँ क्या कट करना है और इस तरह से महिलाएं बचत सीख जाएंगी। जिन पुरुषों को ये शिकायत होती है कि उनके घर की वाइफ घर नहीं चला सकती क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची की आदत है, तो एक बार एक महीने ये ट्राई तो कीजिए। ये जो मैं आपको तरीका बता इस तरीके से आपका घर बहुत बढ़िया से चलेगा। दूसरा फायदा यहां पे ये होता है दोस्तों कि औरतों को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी किस चीज की होनी चाहिए कि उनके घर में कितना पैसा आ रहा है और उन्हें कितना में मैनेजमेंट करना है। अगर उन्हें जानकारी ही नहीं होगी तो वो पैसों का मतलब वहां पे पैसे से हो ही नहीं सकते हैं। जब उन्हें पता होगा कि हमें इतने रुपए में ही अपने घर को चलाना है या हमारे घर में इतना ही इनकम आ रहा है तो वो बेहतर तरीके से अपने घर चला पाएंगी और वो बचत भी कर पाएंगी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि औरतों को जिम्मेदारी देनी चाहिए और औरतों के हाथ में पैसे घर चलाने की जरूर देने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, अच्छा हाँ, अगर पहले पॉइंट में कोई भी पुरुष अगर मेरे मतलब बात से अग्री नहीं है तो मुझे कमेंट करिएगा कि अगर जो मैंने आपको दो फायदे बताए हैं वो फायदे आपको दिख रहे हैं तो आप एग्री है या नहीं है कमेंट कीजिएगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है, ये मेरी बहनों के लिए है कि जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो जल्द से जल्द बचत की शुरुआत करना शुरू कीजिए। आपको बचत करना है, वो कैसे करना है कहाँ करना है ये आप बखूबी समझ पाएंगे। हो सकता है कि जो आप मतलब धोबी को कपड़े देते होंगे कि अपना मतलब इस्त्री करने के लिए प्रेस करने के लिए कपड़े बाहर जाते होंगे, आप वो पैसे बचा सकती हैं। हो सकता है कि आप रेडी पे जो सब्जियां खरीदती होंगी अपने घर के बाहर, आप मंडी तक थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाएगा और आपकी सस्ती सब्जी आ जाएंगी। तो ये सब चीज आपको सोचना है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है और उस पैसों में बचत कैसे करना है और जल्द से जल्द इस चीज का आपको स्टार्टिंग कर ही देना चाहिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो है कि तुलना के ताकत को नजरअंदाज करें। बात को समझिए, तुलना करना, कंपेयर करना, इस चीज को बंद करना है। और ये सबसे ज्यादा घर की औरतें ही करती हैं। जो महिलाएं होती हैं उन्हें ये मतलब फिक्र होती है कि हमारे पड़ोसी के घर ये आ गया तो हमारे हमें ये चाहिए, या फिर मतलब उनका बच्चा अगर कोई हायर स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारा बच्चा भी वहां पढ़ना चाहिए। नहीं, ये चीज औरतों को समझना होगा और मुझे पता है कि सारी जो बहनें हैं वो समझती भी होंगी। जो कुछ बहनें हैं अगर वो नहीं समझती होंगी तो आप उन्हें समझाइएगा कैसे, इस वीडियो को वहां शेयर करके। तो यहाँ पे करना ये है कि बहन आपको ये पता होगा कि आपके घर में कितने पैसे आ रहे हैं। अब तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई,
कि आपको बचत भी करने हैं, तो अब मैनेजमेंट आपको करना है और ये जो तुलना होता है ना ये करना बिल्कुल बंद करना है। देखिए आप एक सिंपल समझिए कि अगर आपकी तुलना किसी और से की जाएगी, मतलब कोई कहे कि उनके जो मिसेस शर्मा है या फिर मिसेस वर्मा है वो अपने घर को बेहतर तरीके से चलाती है, तो आपको खुन्नस होगा कि नहीं, आपको बुरा लगेगा ना। उसी तरह आपको भी तुलना नहीं करना है कि उनके हस्बैंड इतना कमाते हैं या उनके घर में ये आता है, ये चीज तुलना नहीं करना है। आपको अपना घर कैसे चलाना है और जितने पैसे आपके घर में आ रहे हैं वो आप कमा रहे हैं या फिर आपके हस्बैंड लेके आ रहे हैं, कोई भी घर में लेके आ रहा है, आपको उसी में मैनेजमेंट करना है और उसी में पैसे को बचत करना है। तो ये जो कंपेरिजन करना होता है या फिर मतलब उसको देख कि हम भी सोबाजी करेंगे, ये सब करने में हम पूरी तरह से उसमें बर्बाद है, ये चीज बिल्कुल बंद करना है और महिलाओं को ये बंद जरूर ही करना है। चौथी चीज यहां पे ये आती है दोस्तों कि आवेश में खरीदारी ना करें, जोश को कंट्रोल में रखें। कोई भी चीज अगर पसंद आ गया और अगर हम ये चीज सोच रहे हैं ना कि मतलब ये अगर हम लेंगे तो हमारा स्टेटस जो है वो अच्छा रहेगा या फिर मतलब लोग हमें देख के वाह वाह करेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको सिंपल बता दूं कि अगर हमें दूसरों को दिखाना हो ना कि हम अमीर हैं, हम पैसे वाले हैं, तो इसमें हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रहस्य क्या होता है ना कि हमारे बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं हमारे अकाउंट में वो निकल जाते हैं, मतलब दिखाने के चक्कर में हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहना ये है ना कि आवेश को कंट्रोल करना है, जो जोश में हम खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछतावा होता है उस चीज को कंट्रोल करना है। और मैंने मैक्सिमम मतलब जो लेडीज हैं उनको मैंने देखा है कि अगर उनके पास वो बचत करती हैं, सभी बचत करती हैं, कुछ ना कुछ पैसा जरूर मतलब जुगाड़ करके और बचत करके बचा ही लेती हैं, लेकिन उनका एक ही मोटो होता है कि हमें ऑर्नामेंट्स लेना है, उनके पास ये है, या फिर मेरा शौक पूरा करना है तो मुझे ये चीज लेना है। लेकिन पता है इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं ये अगले पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो कहना यहाँ पे ये है कि आवेश में किसी चीज को मत खरीदिए। अगर आप अपने आप को खुश करने के लिए किसी चीज को लेकर आती हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आपको खुशी दे सकता है, तो वो कितने दिन तक, एक दिन या दो दिन, उसके बाद फिर से आपको वही चिंता होगी कि आप पैसे कहाँ से आए। और पांचवा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट हम सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या कि हमने पैसों को बचाए और अगर हम सोच रहे हैं कि हम ऑर्नामेंट्स ले रहे हैं तो हमारे पैसे जो हैं वो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑर्नामेंट्स अगर आप खरीदते हैं, सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उसको किसी भी तरह का निवेश नहीं होता है, ये चीज को क्लियर समझना होगा। वो कैसे निवेश नहीं होता है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो कहना ये है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें समझना है, हमें सीखना है कि हम अपने पैसों को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और हाँ, इसमें रिस्क और रिस्क फ्री ये दोनों स्कीम को समझना है कि ऐसे जगह जहां हमारे पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, जहां किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है, वो भी बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। और उसमें बहुत तरह तरह के तरीके, बहुत तरह तरह के स्कीम आ चुके हैं और वो सारे स्कीम के बारे में मैं वन बाय वन आप लोगों को जानकारी दे ही रही हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इन्वेस्टमेंट पे एक बहुत मतलब बढ़िया वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने आपको टर्म डिपॉजिट के बारे में बताया है। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना ही होगा, आपको सीखना ही होगा कि आप अपने पैसों को कहाँ, कितने टाइम के लिए और कहाँ, अगर आप पैसों को निवेश करते हैं तो आपको कितना मतलब रिटर्न, जो उसमें ब्याज दर है वो कितना मिलता है, ये चीज आपको कैलकुलेट करना ही चाहिए। और इसके साथ मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी ढंग से बताया था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात किए कि या हम मतलब वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर हम घर में रहते हैं, हम होम वर्कर है, तो भी हमें ये पांच चीजें जाननी ही होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो लेडीज काम करती है ना, वो काम करती है, वो पैसे कमा के लाती है, उनके पैसे अकाउंट में रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एफडी कर देती है, ये सब करती है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन थोड़ा समय निकाल के आपको ये सब स्कीम के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर हम अपने पैसे को जमा करते हैं तो वो पैसे हमारे दोगुने चारगुने भी होके हमारे पास आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।